हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल और मैं आज फिर से आप सब लोग बीच एक नंबर के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टीडीपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन सी जॉब और वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो लोग भी डिप्लोमा एवं आईटीआई किए हुए हो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को सैलरी की बात करूं, वालों के लिए यहाँ पे जो सैलरी है वो है 24,500 से लेके 90,000 तक सैलरी है। और साथ ही साथ जो लोग भी आईटीआई किए हों उन लोगों के लिए यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है 21,500 से लेके 82,000 तक आपका यहाँ पे सैलरी इस विभाग में मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे आपका जो सालाना पैकेज जो बनने वाला है 6,77,000 यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए बनने वाला है, और वही आईटीआई वालों के लिए बनने वाला है 5,94,000। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा जॉब है। तो आप लोगों को जरूर से जरूर अप्लाई करना है। चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो है आपका जो जॉब होने वाला है ये परमानेंट जॉब होने वाला है जो कि गवर्नमेंट के अंदर में आती है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनर के तौर पे यहाँ पे पहला पोस्ट है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो लोग भी डिप्लोमा किए हुए हो जिनका 3 साल रेगुलर डिप्लोमा है वो लोग इसमें अप्लाई करोगे, लेटरल एंट्री वालों के लिए नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अगर किए हो तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो। और इन सभी में पोस्ट की बात करूं तो इसमें मैं आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 है, 33 जो है मैकेनिकल वालों के लिए, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 16 यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीट भी जो है अच्छी खासी सीट है, तो आप लोग जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करो। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 26 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7, ओबीसी वालों के लिए 18, एससी वालों के लिए 10, एसटी वालों के लिए 5 यहाँ पे सीट जो है रखा गया है। तो ये आप अपना देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं, जब आपका ये जब एग्जाम निकल जाएगा तो इसमें जो आपका पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया डिप्लोमा वालों के लिए, तो यहाँ पे स्केल देख सकते हो 24,500 से लेके 90,000 तक आपका इसमें सैलरी मिलने वाला है, जो कि इसमें आपका सारा चीज मिलने वाला है, डीएफए अनाउंसमेंट चार्ज सब चीज आपको इसमें अवेलेबल मिलने वाला है। और यहाँ पे सीटीटी मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका सालाना जो यहाँ पे बनने वाला है वो 6,77,000 यहाँ पे बनने वाला है। तो ये तक इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है, तो आप लोगों को अपने से अच्छे से देख लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्नीशियन सी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो टेक्नीशियन सी वालों के लिए मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग भी SSLC ITI एवं 1 साल का आपको अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है। तो डिप्लोमा वालों में कोई अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा है, लेकिन ITI वालों में मांगा है, तो आप लोगों को देख लेना है। चाहे SSLC प्लस 3 साल का आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ITI वालों के लिए ट्रेड की मैं बात करूं तो जो लोग भी इन सभी ट्रेड से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसमें आप अपना देख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 6 सीट है, इसमें 11 सीट रखी गई है, और 4 सीट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और यहाँ पे मिलर के लिए 2, और इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आप अपना देख लेना। फिर हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन की मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 9 यहाँ पे रखा गया है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5, ओबीसी वालों के लिए 6, एससी वालों के लिए 3, और एसटी वालों के लिए 2 रखा गया है। तो इसमें मैं आप लोगों को सैलरी की बात करूं तो इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला है 21,500 से लेके 82,000 तक मिलने वाला है। तो इसमें जो भी आपका ग्रेड पे बनेगा होम अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डिप्लोमा वालों के लिए बताया, तो इसमें जो भी आपका डीएफए मिलने वाला है सेम ITI वालों को भी मिलने वाला है। और इसमें जो आपका सालाना जो पैकेज बनने वाला है 5,94,000 बनने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन किया है डिप्लोमा वालों के लिए, तो जो लोग भी डिप्लोमा वाले हो उन लोगों के लिए यहाँ पे है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के रूप में जब आपका बहाली हो जाएगा
तो फिर आपसे 6 महीने काम करवाए जाएंगे और काम करवाने के तौर पे आपको 10,000 का स्टाइपेंड के रूप में महीना दिया जाएगा। तो वो जो 6 महीने होंगे वो आपका ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद जब आपको उसमें फिर से एक एग्जाम लिए जाएंगे और वो एग्जाम जब पास करोगे तो उसके बाद जो भी ग्रेड पे वहां पे मेंशन किया गया है वो आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। तो ये है इंजीनियरिंग वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ पे देख लेना, फिर यहाँ पे देख सकते हो कि बैकलॉग के लिए 2 पोस्ट, EWS के लिए 1, EWS या PWD के लिए 1, ये रिजर्वेशन कैटेगरी में डाला गया है। और यहाँ पे रिजर्वेशन PWD के लिए जो भी रिजर्वेशन डाला गया है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से डाला गया है, जो कि आगे देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को अपने से पढ़ लेना है। इसका PDF का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग क्या करना है, सिंपल से जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको PDF का लिंक जो है डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही साथ इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं दे दूंगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे ओनली जो लोग भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, ओनली इंडिया वालों के लिए ये जो है जॉब निकाली गई है। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट है और इसमें जो आपका एज लिमिट है 1/3/2022 से आपका 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन जो है टेक्नीशियन सी वालों के लिए, इसमें भी आपका भी 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो OBC के लिए 3 साल रखा गया है और फिर ST/SC के लिए यहाँ पे 5 साल रखा गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और PWD के लिए 10 साल यहाँ पे रखा गया है। तो ये आप अपना देख लेना और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना इसे ये सब पढ़ लेना है। तो दोस्तों अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जो लोग भी डिप्लोमा एवं ITI किए हुए वो आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाला है। और डिप्लोमा और ITI में आपका 60% मार्क्स जो है जनरल EWS और OBC वालों के लिए रहना चाहिए और ST/SC PWD वालों के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। दोनों में सेम कंडीशन यहाँ पे रखा गया है, जो कि आप लोग अपने से देख लेना। फिर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20/4 तक यहाँ पे रखा गया है। तो 20 तारीख तक ही आपका टाइम है यहाँ पे, तो बहुत ही कम समय है, तो आप लोगों को जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना है। अब मैं आप लोगों को सिलेक्शन मेथड की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अभी आपका जो सिलेक्शन मेथड होगा डिप्लोमा एवं ITI दोनों के लिए यहाँ पे सेम कंडीशन रखा गया है। तो इसमें आपका 2 तरह से एग्जाम लिया जाएगा, Part 1 और Part 2 के लिए, जिसमें आपका 150 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें पहला जो Part 1 में आपसे पूछा जाएगा 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और फिर आपसे Part 2 में पूछा जाएगा 100 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल जो मार्क्स का एग्जाम होगा वो 150 का होगा और यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने सिलेबस तक मेंशन कर दिया है कि इसी सिलेबस से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने से देख लेना है। सिलेक्शन की मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा जनरल OBC और EWS में अगर आपका 35% मार्क्स जो है इस एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो 35% मार्क्स का मतलब हो गया आपका, आपको अगर अप्रोक्स 50 से 52 नंबर अगर आ जाते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो। और साथ ही साथ ST/SC और एवं PWD के लिए मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए 30% मार्क्स यहां पे रखा गया है, अप्रोक्स 45 अगर मार्क्स आपको आ जाते हैं 150 में तो आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही कम नंबर में सिलेक्शन लिया जा रहा है, तो आप लोगों को जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप अपना देख सकते हो कि पे एंड एनलॉजमेंट, इस सभी चीज आपको अपने से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फी की बात करूं तो यहाँ जो एप्लीकेशन फी लगने वाला है जनरल OBC EWS वालों के लिए, यहाँ पे 250 आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है प्लस 18% GST आपका लगने वाला है। और यहाँ पे ST/SC PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप अपना एप्लीकेशन जब भी फिलअप कर लोगे और आप अपना पेमेंट कटवा लेते हो तो फिर आपको वापस पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, ये सब आपको अपने से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको पेमेंट किस चीज से करना है, तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो आप लोग अपना देख लेना। फिर हम लोग हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके वहां पे आपको लिंक दिया गया है और लिंक जो है 6/4/2022 मतलब 6 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो गया है 3 बजे से। तो अभी 20 तारीख तक टाइम है, तो आप लोगों को जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना है। और ये सब चीज आपको पढ़ लेना है, जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको जो चीज भी यहाँ पे दिया गया है इन सभी चीज को आपको पढ़ना। दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने जॉब के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है, वहां पे पूछना है,
वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई देके समझा दूंगा। हमारे ऑफिस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप ऑफिस नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे स्टडी पे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपको मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो हमारे स्टीडीपी चैनल पे कैट का सीरीज चलाया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ऊपर आई बटन के सेक्शन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाना चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक सो मच दोस्तों।